हाथ पैर कमर दर्द घुटनों का दर्द मांसपेशियों का दर्द ऐठन सूजन कमजोरी थकान जड़ से ख़त्म करेगा आप थोड़ा सा चलते हैं सांस फूल जाती है थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सांस फूल जाती है या फिर आप अभी बीमारी से उठे हैं यानी कि काफ़ी दिनों तक बीमार रहे हैं मेडिसिन वगैरह ली है और उसकी वजह से कमजोरी हो गई है तो वो भी कमजोरी आपकी दूर करेगा ये बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ इसके साथ साथ अगर आपके हड्डियों में कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम की कमी को ये पूरा करेगा आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखेगा आपके हार्ट को अच्छा रखेगा और आपकी सारी नस नाड़ियों को भी ये अच्छा रखेगा क्योंकि ये क्या है दोस्तों ये है पाउडर ये ऐसा पाउडर है कि आपके शरीर में कैल्शियम आयरन विटामिन पोटेशियम फाइबर हर एक चीज़ की पूर्ति करेगा यानी कि सारे पोषक तत्वों की ये पाउडर पूर्ति करेगा तो इस पाउडर को आपको बनाना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, आप फोटो को देख लीजिए और ये ये सामग्री आप ले लीजिए आपको क्या करना है सबसे पहली सामग्री लेनी है तिल तिल हमारी हड्डियों के लिए हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है तो सबसे पहले आपको चार चम्मच लेना है सफ़ेद तिल और सफ़ेद तिल लेने के बाद में आपको लेना है ये पॉपी सीड्स पॉपी सीड्स यानी कि खसखस इसको आपको लेना है दो चम्मच दो चम्मच भर करके आप खसखस डालिए और उसके बाद में एक कटोरी में सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और अब आपको डालना है बादाम तो करीबन आप छः से सात आप बादाम ले लीजिए और उसके बाद में आपको लेना है मखाना ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये मखाना आपको लेना है मखाने से क्या होता है एक तो अच्छी नींद आती है हमारे शरीर में चुस्ती फुर्ती आती है तो मखाना आपको ले लेना है करीबन दो मुट्ठी भर करके और इसके बाद लेना है अखरोट अखरोट आपको कितना लेना है करीबन छः से सात ग्री अखरोट की ले लीजिए और आपको लेना है दालचीनी तो एक छोटा चम्मच भर करके आपको लेना है दालचीनी दालचीनी हमारी सारी नस नाड़ियों को क्लीन करेगा और ब्लड का संचार तेज़ करेगा तो ये सारी सामग्री ले करके इसे तवे पर रोस्ट कर लें या कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए और सारी चीज़ें डाल करके आप इसे भून लीजिए हल्का सा बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है और भूनने के बाद में मिक्सी के जार में डालिए और इसका एक बारीक सा पाउडर बना लीजिए ये पाउडर आप बना करके किसी एयरटाइट डब्बे में भर करके रख लीजिए और इस पाउडर का आपको सेवन करना है रोज़ नियम से और मैं आपको बताऊं ये पाउडर मैं भी रोज़ नियम से खाती हूं इससे हमारे शरीर में कभी भी कमजोरी थकान नहीं होगी यानी कि जो हमारे शरीर में 35-40 की उम्र के बाद में जो कैल्शियम की कमी होने लगती है आयरन विटामिन सबकी कमी होने लगती है तो इससे क्या होगा हमारे शरीर में तत्व तो बढ़े रहेंगे और साथ ही साथ कमजोरी थकान भी दूर रहेगी तो इसे आप जरूर सेवन करिए इस टाइप का पाउडर बना करके रखिए तो इस पाउडर को खाने से कैल्शियम आयरन विटामिन ये तो पूर्ति होगी ही होगी साथ ही साथ हमारी कमजोरी थकान भी दूर होगी इसके साथ साथ हमारे जो समय से पहले बाल झड़ने लगते हैं बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो आपके बाल भी काले रहेंगे समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे और चुस्ती फुर्ती रहेगी आपके पूरे शरीर में सारी नस नाड़ियों में ब्लड का संचार अच्छा रहेगा इसी से और आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी शरीर में चुस्ती आएगी फुर्ती आएगी तो आपको क्या करना है इसमें से एक चम्मच पाउडर आपको लेना है और सुबह शाम दोनों टाइम आपको खाना है सुबह नाश्ता आप करते हैं उस समय आप दूध भी लेते तो होंगे इसमें से एक चम्मच पाउडर दूध के साथ या पानी के साथ अगर आप दूध पी सकते हैं तो दूध पी लीजिए और नहीं तो फिर पानी के साथ भी ले सकते हैं तो आप क्या करें एक चम्मच पाउडर खाइए इसमें से एक चम्मच ले लीजिए पाउडर और खाने के बाद में एक गिलास दूध पी लीजिए और अगर दूध पसंद नहीं है तो आप पानी के साथ भी ले सकते हो तो आपको बहरहाल इस पाउडर को निगलना है यानी कि चाहे तो आप चबा करके खा लें यानी मुंह में डालिए और निकल जाइए पानी से या फिर दूध से या फिर दूध में डाल करके मिक्स करके पी लीजिए इसी तरीके से आपको सुबह पीना है और इसी तरीके से आपको शाम को भी एक चम्मच पाउडर दूध के साथ या पानी के साथ आपको लेना है इस तरीके से आप इस पाउडर को नियमित नियमित सेवन करिए तीन महीने तक लगातार तीन महीने खाएंगे तो आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी कमजोरी थकान दूर होगी हड्डियों से कटकट -कट की आवाज़ खत्म होगी आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी हड्डियों में ग्रीस की कमी को भी पूरा करेगा क्योंकि इसमें हमने अखरोट लिया है तो ड्राई फ्रूट्स खाइएगा ये ड्राई फ्रूट्स का जो पाउडर है इसका सेवन करिए जो ये दालचीनी इसमें हमने मिक्स किया है ये हमारी सारी नस नाड़ियों को क्लीन रखेगा बंद नसों को भी खोल देगा ये बहुत अच्छा पाउडर है इसका सेवन करके देखिएगा आप खुद मुझे थैंक्स बोलने आओगे इसी वीडियो में तो दोस्तों इसका सेवन करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इस पाउडर का एक चम्मच खाना है नाश्ते के साथ में और एक एक चम्मच रात में आपको सोने से पहले खाना है ठीक है सोने से पहले आप दूध के साथ में एक चम्मच दूध या पानी के साथ में एक चम्मच इस पाउडर का सेवन करिए आप देखना आप कितने भी यानी कि जैसे भी उम्र बढ़ती जाए लेकिन कैल्शियम आयरम विटामिन की कमी कभी नहीं होगी और आपका शरीर भी मजबूत होगा हमारा मेटाबॉलिज्म भी मजबूत होगा यानी कि पाचन तंत्र ठीक है ना आपकी हार्ट किडनी लीवर सारी चीजें स्वस्थ होंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मेहमती नमस्कार